गुड मॉर्निंग माई डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू एलपी सवाणी रिवर साइड स्कूल। माई सेल्फ दीपिका सोनावाड़िया, योर इंग्लिश टीचर। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कम्प्लीट किया था हमारा लेसन के एक्सरसाइजेस और उसके न्यू वर्ड्स, राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया लेसन, दैट इज द स्कॉलर्स मदर टंग, राइट। स्कॉलर्स मदर टंग, सो लेट अस स्टार्ट। स्कॉलर मतलब जो एकदम से पढ़ने में होशियार हो वगैरह, राइट। सो उसे स्कॉलर बोलते हैं, राइट। जो पंडित हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि पंडित, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे स्कॉलर, पंडित वो पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं, जो पढ़ लिख के जो होशियार बनता है ना उसे स्कॉलर बोलते हैं, राइट। सो उसकी मदर टंग, मदर टंग मतलब जो भाषा बात करते हैं, जो उनकी घर पे जो बात करने वाली लैंग्वेज होती है उसे मदर टंग बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन, द स्कॉलर्स मदर टंग। A learned pandit once visited the court of Akbar. एकदम से पढ़ा लिखा मतलब बहुत ही जानकार पंडित था, वो अकबर के कोर्ट में पहुंचा, राइट। अकबर एंड बीरबल जो होते हैं, राइट, जो राजा, तो वहां पे ये पंडित था, वहां पे गया था। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages, right? तो उसने राजा और जो राजा के दरबार में जितने लोग होते हैं उन सबको बोला कि उसकी बहुत ज़्यादा मास्टरी, मतलब सभी चीज़ में बहुत ही मतलब उससे बहुत सारी लैंग्वेज आते हैं और सब में मास्टरी करी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लैंग्वेज आते हैं। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, बहुत सारी भाषा इतनी अच्छे से बात करता था वो, एकदम से क्लियरली उसकी भाषा थी, लगता ही नहीं था कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है, पहचानना मुश्किल था। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट इज हिज मदर टंग वॉज, मतलब इतना अच्छा था उसकी लैंग्वेज, इतनी अच्छी थी तो कोई पहचान नहीं पाता था कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है, मतलब ये कौन सी भाषा बात करता है, इसकी मदर टंग जो घर पे हम लोग जैसे गुजराती बात करते हैं, राइट। सो उसके घर पे मतलब कौन सी भाषा बात करते वो पता लगाना मुश्किल था क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस उसको आती थी। He challenged everybody at, उसने सबको चैलेंज किया, क्या चैलेंज किया, the court to the name his mother tongue, मतलब पूरे कोर्ट में जितने भी लोग थे सबको उसने चैलेंज किया कि मेरी मदर टंग मतलब मेरी भाषा जो है वो पता करो कौन सी है। When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal, सब लोग फेल हो चुके थे वो चैलेंज में, मतलब अब किसी को सूझ ही नहीं रहा था, सबने ट्राई कर करके छोड़ दिया, फिर लास्ट में किसने ट्राई करी, वो था बीरबल ने ट्राई किया। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप, तो उसी दिन रात को बीरबल इसके पंडित के रूम में गया, एकदम से शांति से चुपचाप बिना आवाज किए जब वो पंडित सोया हुआ था। He whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather. तो एकदम से धीरे से कुछ पंडित के कान में बोला, एकदम से जैसे हवा कैसे चलती है वैसे उतनी ही आवाज में उसने कुछ पंडित के कान में बोला और उसे ऐसे ये फेदर दिख रहा है आपको, पंख से उसको जरा टिकल किया, मतलब उसे थोड़ा गुदगुदी की उसको। The pandit half awake cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. तो पंडित क्या था, एकदम से आधी नींद में उठ गए और वहां से जोर जोर से चिल्ला के मतलब एकदम से डर के मारे चिल्लाने लग गया और रोने लग गया, और रोना और चिल्लाना उसने कौन सी लैंग्वेज में की, उसकी मदर टंग में, राइट, उसकी भाषा में उसने बड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरी वन दैट पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु, फिर बीरबल नेक्स्ट दिन जब कोर्ट में पहुंचा और उसने सबको बोला कि पंडित की जो मदर टंग है वो है तेलुगु, कौन सी लैंग्वेज है, तेलुगु। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, तो पंडित एकदम से शॉक हो गया, इसको कैसे पता चल गया कि मेरी भाषा ये तेलुगु है, और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लैंग्वेज तो तेलुगु ही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तो किंग अकबर ने फिर बीरबल से पूछा तूने कहां से पता लगाया कि इसकी लैंग्वेज तेलुगु है। बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, जब हम लोग मुसीबत में, बीरबल ने ऐसा बोला कि जब हम लोग
मुसीबत में होते हैं तो हमारे मुंह से हमारी लैंग्वेज के सिवा और कोई लैंग्वेज नहीं निकलती, हमारी जो मदर टंग होती है उसके सिवा कोई और लैंग्वेज निकलती नहीं है. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित रूम एट द नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. और उसने सभी बताया किंग को वो किस तरह से राजा के रूम में गया, मतलब सॉरी उस पंडित के रूम में गया सच पता लगाने के लिए. राइट, सो ये छोटी सी स्टोरी थी, खत्म हुई. और ये स्टोरी ली गई थी अकबर एंड बीरबल की स्टोरीज में से. राइट, अब उसके बाद थोड़े से वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं. MOTHERTONGUE मदर टंग, CHALLENGED चैलेंज्ड, TICKLED टिकल्ड, IRITATED इरिटेटेड. राइट, मतलब परेशान. ओके, सो अब हम लोग यहीं पे हमारा सेशन खत्म करते हैं. ये न्यू वर्ड्स आप अपनी बुक में लिख लेना और ये लेसन एक बार रीड करना. ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय, टेक केयर.